हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल माई स्टडी नेट में। मेरा नाम हेमेंद्र है, मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। आज हमारा फर्स्ट डे है यूट्यूब पर और फर्स्ट डे के साथ हमारी फर्स्ट वीडियो भी है। अगर आप हम इसमें आपको वृद्धा के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मृदा विज्ञान अर्थात सॉइल साइंस। सॉइल साइंस क्या होता है कि मृदा का अध्ययन करना ही मृदा विज्ञान कहलाता है। मृदा का अध्ययन करना ही मृदा विज्ञान कहलाता है अर्थात कि मृदा के अंतर्गत यानी मृदा के अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा वर्गीकरण, मृदा के भौतिक गुण और मृदा के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम मृदा विज्ञान कहते हैं अर्थात सॉइल साइंस कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मृदा के फादर यानी फादर ऑफ सॉइल साइंस। इसको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये ज्यादातर पूछा जाता है कि मृदा के फादर कौन है। तो मृदा के फादर है वी.वी. डोकोचेव यानी वी.वी. डोकोचेव। इसे याद कर लेना, इसे रटना नहीं है, समझ लेना, ठीक है। अब आता है अपना फर्स्ट पॉइंट, सॉइल साइंस में आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट मृदा यानी सॉइल। तो देखिए ये सॉइल शब्द है जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, मतलब सॉइल शब्द है जो कि लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श। सॉइल की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ सॉइल कि पृथ्वी का ऊपरी भाग मृदा कहलाता है, मतलब जो पृथ्वी का जो ऊपरी सरफेस होता है उसे हम मृदा कहते हैं, ठीक है। तो अब आती है ब्रांचेस ऑफ सॉइल यानी मृदा की शाखाएं। तो मृदा की शाखाएं होती हैं दो, पेडोलॉजी एंड एडेफोलॉजी। तो इसकी दो मुख्य शाखाएं होती हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे पेडोलॉजी। देखिए दोस्तों पेडोलॉजी क्या होता है कि पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि पेडोलॉजी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या? पेडोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पेडोन प्लस लोगस, जिसमें पेडोन का अर्थ होता है मृदा या पृथ्वी, लोगस का अर्थ होता है विज्ञान अथवा अध्ययन। अब देखिए उसे पेडोलॉजी का क्या अर्थ है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति, मृदा वर्गीकरण तथा मृदा के वितरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। देखिए कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, कैसे सिद्ध कीजिए। तो इसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि मृदा प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बल द्वारा विकसित हुई है, इसलिए मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। सेकंड पॉइंट आता है एडोफोलॉजी। एडोफोलॉजी भी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एडोफोन तथा लोगस। एडोफोन का अर्थ होता है मृदा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात इसमें मृदा की फसलों को उगाने के संबंध में अध्ययन किया जाता है। अर्थात देखी जाए तो एडोफोलॉजी में जो मृदा में जिन फसलों को उगाया जाता है और जो फसल को उगाते हैं उनसे संबंध में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम एडोफोलॉजी कहते हैं। मृदा में मुख्यतः 8 तत्व पाए जाते हैं जिनमें से नंबर 1 है ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन मृदा में 47% पाया जाता है, अर्थात मृदा में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है जो कि 47% होती है। लेकिन इसके साथ साथ आप कंफ्यूज ना हो मैं एक और क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि 78% होती है। नंबर 2 है सिलिकॉन जो कि 28% पाया जाता है। नंबर 3 है एल्यूमिनियम जो मृदा में पाया जाता है। नंबर 4 है आयरन। नंबर 5 है कैल्शियम। नंबर 6 है सोडियम। नंबर 7 पोटेशियम और नंबर 8 है मैग्नीशियम। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। जाते जाते हम आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहते हैं। अगर आपको उसका आंसर आए तो हमको कमेंट में बता देना, वरना हम नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन बता देंगे। क्वेश्चन है हमारा कि पौधों की वृद्धि के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी संख्या कितनी है, कमेंट करके बता दें अगर आंसर आता हो तो, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में बता देंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।